Hey guys, welcome to our channel room with Kiran Sachin, and today we are going to tell you 5 reasons why you should not buy Triumph Speed 400. 5 nahi, 10 reasons batate hain. But quickly 5 bata denge. Yes, so yes, let's get started. सबसे पहला रीजन तो यही है कि नाम बड़े दर्शन छोटे. अगर ट्रायम्फ का नाम सोचकर आप बाइक ले रहे हो तो गलत काम कर रहे हो. मत करना ये चीज, बिकॉज दिस बाइक इज ओरिजिनली मेड बाय बजाज. तो अगर आप ये बाइक ले भी रहे हो तो ये बाइक ट्रायम्फ की बाइक तो बिल्कुल भी नहीं है, और ट्रायम्फ के नाम के लिए तो बिल्कुल भी ये बाइक मत खरीदना. आप लोग को एक फोटो दिखाते हैं यहाँ पर, हम हंसे बहुत, आप भी हंस लीजिए, क्योंकि हमारे शायद सब्सक्राइबर होंगे, फॉलोअर होंगे, इंस्टा पे डीएम आया था. He has booked Triumph Speed 400, but booking के बाद में उसको मैसेज आया, ये पढ़े तो बुकिंग, थैंक यू फॉर बुकिंग डोमिनार 400. मतलब बुकिंग के टाइम पे ही आप इतनी गफलत कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन कि एक बार अगर आपने बाइक खरीद लिया, उसके बाद चला लिया, उसके बाद क्या क्या तरीके का गफलत गिरी करेंगे ये लोग. जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. आई जस्ट विश कि इंजन डोमिनार का लगा के नहीं दे. However, वही सेम इंजन पे काम हुआ है. आइडियली मुझे तो ये लगता है सचिन कि डोमिनार बहुत टाइम से है मार्केट में और बहुत सारा पब्लिक चलाता है, तो वो लेना बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ दिस. नंबर टू, डू नॉट गो ब्लाइंडली ऑन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर ये जो मीडिया एजेंसीज जो भर भर के अच्छी बात बोल रहे हैं कि ट्रायम्फ स्पीड 400 ये पैसे पैसे सब पैसे मिलते हैं, फ्लाइट टिकट से लेकर एक दिन का एक वीडियो रील का पैसा मिलता है. एवरीथिंग, दीस गाइस आर गेटिंग पेड फॉर दिस एंड देयर आर लॉट्स ऑफ हुक्स अटैच्ड टू ऑल दीस तारीफ वाली थिंग. उनके रिव्यू पे तो बिल्कुल 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 भी मत जाइए. जो ये बाइक थोड़े टाइम के लिए चला लेते हैं उनसे ये जानना, मतलब जो ओनरशिप रिव्यूज के लिए वेट करो. हमेशा ट्रस्ट उनपे कीजिएगा जो बाइक वो पर्टिकुलर ब्रांड का ओन करते हैं, चाहे डोमिनार हो, केटीएम हो, ड्यूक हो, कोई भी हो, रॉयल एनफील्ड हो. अगर वो बाइक वो ओन करते हैं, उन्होंने काफी अच्छे किलोमीटर्स चला लिया है, तो वही रिव्यू पे आपको भरोसा करनी है. और ऑफ कोर्स ये वाली बाइक की तो अभी कोई रिव्यू आई नहीं होगी, बिकॉज लोगों के पास अभी तक बाइक पहुंची ही नहीं है. तो ये वाली जो बाइक की अगर आप रिव्यू सिर्फ मीडिया एजेंसीज के रिव्यूज देखकर अगर सोच रहे हो कि मेरे को ये बाइक ओन करनी है, तो प्लीज यू आर रॉन्ग हियर. नाउ द थर्ड पॉइंट, 16,000 किलोमीटर्स पर सर्विस इंटरवल इज द बिगेस्ट स्कैम एवर गाइस. ट्रायम्फ टाइगर्स जो बोलते 10,000 पर आपकी बाइक की सर्विसिंग करेंगे, आपकी सर्विस इंटरवल 10,000 की है, जिसकी 5,000 पर ही बाइक पूरी बंद पड़ जाती है, एयर फिल्टर बंद हो जाता है, पूरे कचरे फंस जाते हैं, फ्यूल पंप, ये सारी चीजों का अगर ये लोग बोलते हैं कि सर्विस इंटरवल 16,000 पे है, जो बड़ी बाइक से बोलते हैं कि इतनी रिफाइंड होती है, उसकी 10,000 किलोमीटर तक सर्विस इंटरवल चलती नहीं है, जो 5,000 पे ही करवानी होती है. 16,000 तो बहुत बड़ा स्कैम है. जस्ट थिंक अबाउट इट कि जो छोटी बाइक्स आप अभी खरीद रहे हो, जो छोटे सीसी, ये सेगमेंट की सीसी की बाइक आप खरीद रहे हो, तो उसमें 16,000, आर दे रियली सीरियस अबाउट इट? और गाइस, हम मुंबई शहरत रहतो, ठीक है, अपन मुंबई में रहते, वी आर मुंबई कर्स, यहाँ पर इतनी डस्ट वॉश्ड रहती है कि आपकी एयर फिल्टर क्लॉग होने वाली है, आपके फ्यूल पंप में कचरा जाने वाला है, आपकी इंजन ऑयल खराब होने वाली है, बहुत सारी इश्यूज हो सकती है. मुंबई की बात नहीं, आप लंबे राइड करोगे बिकॉज 16,000 किलोमीटर क्लॉक ऑल ओवर इंडिया, अपना वेदर बहुत फ्लक्चुएट होता है, बी इट एनी रीजन. अगर 16,000 किलोमीटर पे सर्विस सेंटर में जाओगे अपनी बाइक लेकर, तो सोच लो कि क्या क्या चीज रिप्लेस होने वाली है. सो बी वेरी वेरी कॉशियस विद दिस थिंग गाइस. Fourth, service cost of this bike is going to be bomb, guys. Trust me on this, because after sale service ये लोग बड़े bikes में ही बराबर से नहीं दे पा रहे, सभी metro cities में. तो जो भी बाकी छोटी मोटी सिटीज में भी ये बाइक जाने वाली है, वहां पे तो आपको सर्विस बहुत ज्यादा हॉरिबल होने वाली है. वारंटी के नाम पे आपके साथ बहुत स्कैम्स होने वाले हैं कि ये मत लगाओ यहाँ पे, यही मत लगाओ, तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होने वाली है. गाइस जस्ट इमेजिन करो ना, जो ट्रायम्फ टाइगर्स है जो ये लोग बेचते हैं, बॉनविल बेचते हैं, और फिर स्ट्रीट ट्रिपल बेचते हैं, ये सारी बाइक्स की अगर सर्विसिंग इतनी हॉरिबल हो सकती है, तो ये सेगमेंट जो 400 सीसी की जो सेगमेंट वाली बाइक्स है, उसमें वो लोग कितने ज्यादा गलत, और मतलब लोगों के साथ क्या क्या करोगे, जस्ट यू कांट इवन इमेजिन अबाउट इट. आफ्टर सेल्स तो ये लोग अपने कस्टमर्स को बिल्कुल भी खड़ा भी नहीं करते हैं. यू नो, वी आर लाइक द इन्फ्लुएंसर्स लाइक अस. हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स आते बोलते हैं कि आप लोग को ये लोग ने कुछ रिजोल्यूशन नहीं दिया, तो जस्ट इमेजिन कि हम जैसे लोग अगर जाएंगे तो फिर किस तरीके का हमें सर्विस मिलेगा, या हमें हमारी चीजें बाद में सुनी जाएगी भी कि नहीं. सो आफ्टर सेल्स में तो 0 out of 10 गाइज. देखो, बाइक खरीदना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको आफ्टर सेल्स में मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड राइट,
आपके फ्रेंड्स जिन लोग ने ट्रायम्फ ओन किया उनको पूछो, सबका रिस्पांस वही रहेगा, पीपल हैव मूव फ्रॉम टाइगर 800 टू 650 वी स्ट्रॉम, वो भी प्री ओन्ड वाला एंड दे आर वेरी मच हैप्पी। बेस्ट बताओ आप लोग को, इंटरसेप्टर 650 ले लो, डबल सिलेंडर है, बहुत मजा आएगा, क्लासिक लुक भी है, सब सही रहे, या फिर ड्यूक 390 ले लो, या फिर 390 एडवेंचर ले लो, यार बहुत सारे, चलो डोमिनार ले लो चलेगा, वो भी चलेगा, 400 सेगमेंट में ना बहुत ऑप्शंस है, वी स्ट्रॉम 650 भी है, अगर इंटरसेप्टर 650 नहीं लेनी, थोड़ी से पैसे ऊपर करके बहुत सारी अच्छी अच्छी बाइक्स आ जाएगी, प्री ओन बाइक्स भी आप ले सकते हो, जो सुजुकी जापानीज बाइक्स है उसके प्री ओन बाइक्स भी ले सकते हो। मुझे बस एक चीज आप लोग को बोलनी है, अपने जिंदगी की इतनी हार्ड एंड मनी ना एक ऐसे ब्रांड को मत दीजिए जो अपने कस्टमर्स को बिल्कुल वैल्यू नहीं करता। दैट्स राइट, एक बार आपके पॉकेट से पैसा उनके पास चला गया ना, हु यू, ये वाला एटीट्यूड है उनका। जब भी बाइक लॉन्च हुई थी तब से लेकर अभी तक की कंफ्यूजन है कि ये लोग डिलीवरी चार्जेस क्यों ले रहे हैं, हैंडलिंग चार्जेस क्यों ले रहे हैं, बाइक लेने वाला है कोई तो डिलीवरी तो देनी पड़ेगी ना, उसके अलग से चार्जेस क्यों लगा रहे। करेक्ट, तो मुझे सिंपल एक बताना है कि दे डोंट इवन हैव ऑडेसिटी टू कम एंड अनाउंस द रियल प्राइस ऑफ दिस बाइक, और अगर कर दिया है तो हमें बताएं, शायद हमें नहीं पता होगा इस बारे में, और अगर फिर भी आपको ये बाइक खरीदनी है, अगर इतना अंदर से हो रहा है कि नहीं मुझे चाहिए, आई वांट टू ओन ट्रायम्फ, ट्रायम्फ इज माय ड्रीम बाइक, अगर आप ये बोलते हो, ये एटीट्यूड अगर अभी भी है, तो गाइस 8-9 महीने रुक जाए, yes, जाग जाओ, ड्रीम में से जाग जाओ, 8-9 महीने रुक जाओ, ये फर्स्ट लॉट को जाने दो, इसमें जो भी इश्यूज आएंगे उसको रिजोल्व होने दो, फिर आप सोच सकते हो, देन यू विल हैव दूध का दूध पानी का पानी। हमेशा जो भी नई बाइक लॉन्च होती है ना, उनके 6 महीने तक उनकी जो फर्स्ट लॉट होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो होता ही है, बेस्ट एग्जांपल इज महिंद्रा मोजो, मेरे पास थी वो स्टार्टिंग एकदम फर्स्ट लॉट थी, आई वाज द फर्स्ट वन टू बाय महिंद्रा मोजो इन मुंबई, और मैंने जो झेला है ना, आई डोंट वांट एनीवन टू झेलोफाई दैट थिंग, नाउ द बाइक इज क्वाइट रिफाइंड, ऐसे हमें बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं, बट स्टिल वी डोंट नो अबाउट इट, सो वी विल नॉट कमेंट अबाउट इट, लेकिन अगर आपको लेनी ही है, रुक जाओ थोड़े टाइम और फिर अपने अरमान पूरे कर लेना, अपनी हार्ड एंड मनी ना ऐसे इधर उधर 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 उड़ाते क्योंकि डीलर नेटवर्क इन लोग का बिल्कुल नहीं, और 16,000 किलोमीटर्स पर सर्विस इंटरवल तो बिगेस्ट स्कैम गाइस, यही चीज पर मैं यहाँ पर ये बाइक खरीदना नहीं पसंद करूंगी। जब तक मुंबई में एक और अच्छा कोई डीलरशिप नहीं आ जाता है ट्रायम्फ के या बजाज के, तब तक ये बाइक को बॉयकॉट करना इज द बेस्ट थिंग एवर गाइस।